dog brain! संभल कर कॉर्ड, हम बिल्कुल उनके ऊपर हैं। ठीक कहा, सॉरी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो मैं जरा इसके नीचे देखता हूँ। फ्रॉस्ट क्रॉलर्स, पता है इलाई, वो भयानक हो सकते हैं, और वो और भी भयानक हो जाते हैं जब 100 miles per hour तक पहुँचते हैं। देखो मेरी वादा का बुरा मत मानना, पर वक्त हो तो मुझे भी कुछ कहना है, और वो है कि यहाँ तक द ग्रेट प्रॉन्टो तुम्हें लेकर आया है ना। पहले हमें उनमें से एक को तो पकड़ना होगा। मैं जाल लाती हूँ। मेरे पास ग्लव्स हैं। कैसा होगा अगर हम उनसे सीधे बात करें? क्या? कैसे हो दोस्तों? मैं कुछ पावरफुल स्लग्स को ढूंढ रहा हूँ अपनी टीम में शामिल करने के लिए, जैसे कि तुम। अब मैं उसे पकड़ लूंगा। प्रॉन्टो नहीं है। घबराओ ना, को कुछ नहीं होगा। वो सब स्लग एक साथ ट्रांसफॉर्म हो गए तो बहुत ही बुरा होगा। दोस्तों अब यहाँ ठंड बहुत बढ़ रही है। भागो यहाँ से। अरे अरे जल्दी चलो सुस्तान, बिना किसी काम के आओ। मेरा मतलब है तेज और हवा से बातें करने वाले उस्ताद, मेरी जान के। सिर्फ एक मौका है, इसे वेस्ट मत होने देना बॉबी। जलाओ बोपी, जलाओ। बजिया जी, ये तो कमाल का था। मुझे नहीं लगता। Come on, सच में कमाल था, पर हमें स्लग नहीं मिल पाया। जरा देखो तो, ये वापस आ गया। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इलाय, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे स्लग्स इतने पावरफुल हैं कि तुम्हारा ब्लास्टर उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता है। आज नहीं तो कल तो होना ही था। नहीं, बचाओ। वाह क्या एक्टिंग है। थैंक्स, मैं तो बचपन से ही अच्छा एक्टर हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये कब तक ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है शायद कभी नहीं। मैं बहुत से ब्लास्टर्स को जल्दी ठीक कर सकता हूँ, पर इसके लिए एक एक्सपर्ट लगेगा, और मैं ऐसे ही किसी को जानता हूँ जो ये कर सकता है। रेड हुक, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। जरूर सुना होगा, सारे बेहतरीन स्लिंगर्स उनके पास ही जाते थे, तुम्हारे डैड भी। उसका नाम काफी फेमस है जी, और साथ ही उसका गुस्सा भी। मैं किसी नए दोस्त को नहीं ढूंढ रहा, मुझे बस अपना ब्लास्टर ठीक करना है। हमें वहाँ ले चलो प्रॉन्टो। मेरे पिछू आओ। ये है क्वाइट लॉन, रेड हुक का घर। तुमने तो कहा था ये जगह अच्छी होगी। अच्छी थी तो सही। लगता है यहाँ के लोग बड़े शर्मीले हैं। अरे प्रॉन्टो को पता है क्या करना है जी? हेलो, मैं हूँ प्रॉन्टो। लगता है बहुत शांत किस्म के भी हैं। तुम भी शांत हो जाओगे अगर तुम उनके नीचे रहोगे।
ग्रेनुकल स्लग्स। अगर ये स्लग्स नीचे गिर गए तो ये फट भी सकते हैं। उनके नीचे रहना तो बहुत मुश्किल होता होगा। हमें इन स्लग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ हुला गैंग से जो हमें चैन से जीने नहीं देती। हुला क्या? हुला गैंग। चलो चले दोस्तों। हे, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा आर्टवर्क, क्या वो एक बुढ़िया है? बढ़िया है। तुम्हें शायद तमीज की जरूरत है, क्योंकि तुम उससे बात कर रहे हो जो इस बेकार कस्बे को चला रहा है। मैं इस बात को याद रखूंगा जब मैं इसे चलाऊंगा। क्या तुम इससे अपने इस टूटे हुए ब्लास्टर से लड़ोगे? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो नए शेन हो ना। निकल जाओ यहाँ से, हम हुला गैंग से हैं, ब्लैक इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल एम्प्लॉयज। इसका मतलब तुम्हें हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमसे पंगा लेना मतलब डॉक्टर ब्लैक से उलझना। ओ, तुम उसकी फिक्र मत करो, ब्लैक से तो मुझे पहले से ही प्रॉब्लम है। लगता है टीम के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो तुम्हें मुझे एक मुकाबले में हराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। लगता है तुम थोड़े से पागल भी हो। मैं डॉक्टर ब्लैक के लिए काम करता हूँ, तुमसे लड़कर मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? अगर तुम जीते तो मेरे स्लग्स तुम्हारे हुए, सारे के सारे। सारे के सारे? अगर तुम हारे तो तुम यहाँ से चले जाओगे। मुझे मंजूर है, अपने स्लग्स मुझे देने के लिए तैयार रहो। इलाय, क्या तुम सच में बोपी और बाकी के स्लग्स को दांव पर लगाना चाहते हो? हाँ? ये बात तुम्हारे दिमाग में भी आई होगी जब तुमने उसे चैलेंज किया था, है ना? हाँ, पर सब ठीक होगा, मेरे पास एक प्लान है। क्या बात है, इसके पास एक प्लान है? प्लान क्या ही? जीतना है? ये लो। अब तुम ये बहाना नहीं बना सकते कि तुम्हारे हाथ में टूटा हुआ ब्लास्टर था। शुक्रिया, वैसे भी तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ आधा ब्लास्टर चाहिए। क्या ख्याल है? इतना भी बुरा नहीं था। चलो देखे मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ या नहीं। तुम हार गए, तुम हार गए। तुमने कमाल कर दिया दोस्त। एक पॉइंट ईआई को। बहुत अच्छे। ट्रिक शॉट्स, बेस्ट टू आउट ऑफ थ्री। नहीं तुम नहीं, मेरे फ्लरिंगो से तुम्हारे स्लग्स मुकाबला नहीं कर सकते। चलो देखते हैं ये फ्रॉस्ट क्रॉलर क्या करता है। जो पहले उस खंबे को हिट करेगा वो जीतेगा। शुरू करो। टू जीरो। फिर से मैटर नहीं करते, खेल खत्म, जो जीता वही सिकंदर। दोस्त, मैं जीत चुका हूँ और वो भी 6 शॉट्स पहले। ये गुफा ग्रेनुकल स्लग से भरी पड़ी है, जो भी सबसे ज्यादा गिराएगा वो समझो जीत गया। नहीं, वो स्लग्स किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। मुझे इससे क्या, वो तो सिर्फ स्लग्स है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सिर्फ एक तुम ही बचे हो। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ना ही फटते हो और ना ही किसी को जमा सकते हो। तुम कुछ नहीं कर सकते, बस बेकार हो। अब जरा रुक जाओ, तुम्हें इसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो लड़े। क्या तुम मुझे फिर से वो ब्लास्टर दे सकते हो? अब तो तुम कहे।
क्या करूं, मेरे कोई भी स्लग स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं। गॉड, मुझे एक बूस्ट अप चाहिए। ठीक है दोस्त। लगता है उनको गिराने के लिए इतना काफी नहीं है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरी टीम में आ सकते हो। तुम्हारा स्वागत है। तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। अब डॉक्टर ब्लैक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो जरूर वापस आएंगे और हम उनका इंतजार करेंगे। अब क्या हम रेड हुक से मिलने चले? मिस्टर रेड हुक, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे परेशान मत करो। तुमने कुछ सुना? हम वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। हम तो यहाँ सिर्फ ब्लास्टर ठीक करने आए हैं। तुम वो हुला गैंग वाले तो नहीं हो ना? नहीं, हम तो वो हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ से भगाया। तो आप भी रेड हुक हैं? एक सवाल है, क्या हुक मिलने से पहले आपका नाम रेड हुक पड़ा या बाद में? और क्या ये हुक रेड था जब आपको मिला या फिर? प्लीज सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, अंदर आ जाओ। तुमने मुझे लंच के वक्त डिस्टर्ब किया। क्या बात है, मुझे भी भूख लगी है जी। मुझे नहीं लगा था कि अब भी इस तरह के हथियार बनते होंगे। नहीं बनाते। बताओ तुम्हें क्या चाहिए और निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास कुछ स्लग्स हैं जिन्हें शूट करने के लिए मुझे ब्लास्टर चाहिए। क्या तुम्हारे पास इतने ही स्लग्स हैं? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे। किसी को तो इस शहर की रक्षा करनी होगी। तुम जाने पहचाने लगते हो। क्या पक्का हम पहले मिले हुए हैं? मुझे तुम्हारा ब्लास्टर दिखाओ। आप ठीक कर सकते हैं? ये मेरे लिए बहुत लकी है। तुम लकी हो कि अब तक जिंदा हो। ये तब से खटारा था जब ये नया था। मैं खटारा ठीक नहीं करता। एक मिनट प्लीज। लगता है कि इस आदमी से प्यार से बात करनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, प्रॉन्टो जानता है कि इसे कैसे मना। नहीं की है। अरे जाओ। आएंगे और वापस मत आना। शायद उसे मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसे तुम्हें ही मनाना होगा वरना तुम्हारा कच्चुंबर बन जाएगा। मॉरिस, ये आखिर है कौन? नया आदमी है, इसका नाम बिली है। हमने इसे क्वाइट लॉन गुफा में भेजा था रेड हुक को समझाने के लिए। अच्छा, तो क्या वो लोग हमारा कहना नहीं मान रहे? वो लोग नहीं, वो नया शेन नहीं मान रहा। ऐसे अकड़ रहा था जैसे वो जगह उसकी हो। और उसने तुम्हारा ये हाल किया। तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैं भी आपसे मदद ही मांगने आया था। तुम्हारा नाम बिली है ना? तुम शेन से अपना बदला ले सकते हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को और खतरनाक स्लग्स दूंगा। गूल स्लग्स, क्या तुमने कभी देखे हैं? आहा, पर उनके बारे में सुना जरूर होगा। सोचो अगर तुम्हें एक ऐसा स्लग मिले जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जिसे परखा नहीं जा सकता, पर वो तुम्हारे नुकसान की भरपाई अच्छी तरह से करेगा। एक शेन भी इन गूल्स के सामने नहीं टिक सकता। अब तुम्हारे बेकार स्लग्स में से तुम किसे गूल बनाना चाहोगे?
शहर के लोग फिर से पहले की तरह खुश हैं। हाँ, इतने सारे विस्फोटक स्लग्स के साथ रहना आसान काम नहीं है। फ्रॉन्टो कहाँ है? रेड हुक के यहाँ अब तक माफी मांग रहा है, पर उसके लिए वक्त नहीं है। वो हुला गैंग वापस आ रही है। वापस आओ, ये तुम्हारा शहर है, वो लड़ना क्यों नहीं चाहते? इस शहर का नाम क्वाइट लॉन है, याद है ना? अब हमें ही इस शहर को बचाना होगा। उससे पहले तुम्हें अपने ब्लास्टर को ठीक करना होगा। उम्मीद है शायद फ्रॉन्टो उन्हें अभी तक मना चुका होगा। अबे तू, मेरे पापा की तरफ से और उनके पापा के पापा की तरफ से मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ जी। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि निकल जाओ मेरे घर से। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को। माफी मांगने का वक्त खत्म हो गया प्रॉन्टो। पता है हुला गैंग वापस आ रही है। मिस्टर रेडहुक, क्या आप मेरा ब्लास्टर ठीक करेंगे या नहीं? नहीं। ठीक है, तो मैं बिना ब्लास्टर के उनसे लड़ूंगा। चलो चले प्रॉन्टो। तुम एक शेन हो, है ना? सही कहा, पर ये आपको कैसे पता? क्योंकि तुम एक शेन की तरह ही हो। मैंने शेन को देखा था, वो एक बार पूरे मैकडूगल गैंग का अकेले ही मुकाबला कर रहा था, वो भी सिर्फ कुछ स्लग्स और एक स्लिंगशॉट से। पता नहीं था उसका बेटा भी है। पापा मुझे इन सब से दूर ही रखना चाहते थे, और अब तुमने उनकी जगह पूरी तरह से ले ली। तुम ब्लैक का मुकाबला करना चाहते हो? मैं हर किसी से लड़ूंगा जो इस दुनिया में बुराई फैलाएगा। तो फिर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वाओ, मैंने ऐसे सिर्फ दो बनाए थे, पहला तुम्हारे पापा के पास था। पता नहीं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बिल्कुल अपने पापा की तरह बनकर। अब हम लोग उस हुली गैंग का डट के मुकाबला करेंगे, और अगर आप इसमें हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे ना। मैं तुम्हारी मदद करता, पर मुझ में अब लड़ने की ताकत नहीं है। आपने हमारी बहुत मदद की है, अब मैं इसे अंजाम दूंगा। चलो चले प्रॉन्टो। बहुत बहुत शुक्रिया मियां, आपका शुक्रिया। जाओ उन्हें हरा दो बच्चे। क्या सब तैयार है? मैं तो पैदा होते ही तैयार हो गया था। चलो इन जोकरों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। अब मेरे पास नया ब्लास्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम है, और उसके पास गोल नहीं है। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। चलो देखते हैं। शूट करो। ये तो कमाल का है। कोशिश करो कि उनके स्लग्स वेस्ट हो। तुम्हारी बारी जूल्स। अच्छा शॉट था ट्रिक्सी। वो तो हमेशा होता है। छोड़ा नहीं। आओ भागो। पत्थर को गिरा दो। हमारे पास लक्स कम हो रहे हैं। मेरे पास सिर्फ दो स्लग्स बचे हैं। मेरे पास तो सिर्फ डैसलर्स ही बचे हैं। मेरे पास वो भी नहीं, और मेरे स्लग्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं इनसे लड़ने के लिए यहाँ के निवासियों की मदद लेनी होगी। पर वो पहले ही मना कर चुके हैं। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा था। प्रॉन्टो, तुम्हारे पास अभी वो सोनिक ट्रैप है? हाँ जी। वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ तुम सोच रहे हो? हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है बोपी, अब एक साथ हमला करना होगा। अभी ये
जंग अभी खत्म नहीं हुई है शैन, मेरे पास अब भी एक गोल है। ठीक है छोटू, अब तुम्हारी बारी है, हमें निराश मत करना। वो बेकार स्लग, अब तो तुम हार गए। तुमने मेरे गोल को क्या किया? वो स्लग अब एक गोल नहीं है। तो तुम्हारा ये काम है, तुम एक हीलर हो। ये कोई ऐसा वैसा हीलर नहीं है ईलाई, उसके पास पहले से ही वो ताकतवर गोल्स हैं। एक हीलर? ये नहीं हो सकता। हैं? वापस चलो। बुरे लोग हार गए, ईलाई को नया ब्लास्टर मिल गया। आज का दिन इतना बुरा भी नहीं था। और हमें एक नया और अनोखा स्लग मिल गया। तुम्हें पता तो होगा ही कि हीलर स्लग स्लगटरा में बहुत ही कम पाए जाते हैं, है ना? क्या वाकई? शुक्रिया शुक्रिया, ये तो प्रोटो के बाएं हाथ का खेल था राजी। उन्हें शुक्रिया कहो दोस्त। शुक्रिया।